अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के दोनी पोलो एयरपोर्ट में नौकरी देने के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक घोटाले का भंडाफोड़ किया है। एसपी रोहित रणवीर सिंह ने आज ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस घोटाले के बारे में बताया। एसपी ने बताया कि एसआईटी की टीम ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। एसआईटी ने सुभाषित सुमित्रा और उसकी पत्नी मम्मी बनर्जी को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह किस तरह चलता है, एसपी रोहित रणवीर सिंह ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक मैसेज आज से दो महीने पहले जब ये पहली बार ये बात उठी थी कि हमारा जो खुद का इनहाउस एयरपोर्ट है होलंगी एयरपोर्ट वो इनॉग्रेट होने वाला है, डिफरेंट तरीके के एम्प्लॉयमेंट पोस्ट के लिए एक तरीके का पोस्टर निकाला गया। कई सारे हमारे यूथ वो लोग काफ़ी इस चपेट में, उन्होंने काफ़ी सारा अपना पैसा इस स्कैम में गंवा दिया। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुभाषीष मित्रा, वो बैरकपुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। वो और उनकी वाइफ मम्पी बैनर्जी इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड की तरह हमारे पास सामने आए। हमें सक्सेस मिली और अभी 7 दिसंबर को ही हम उनको पकड़ने में कामयाब हुए और दोनों को हमने बैरकपुर वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया। 100 से ज़्यादा इसमें विक्टिम्स हैं। अभी करते क्या थे, पहले 300 रुपये लेते थे, फिर उसके बाद बोलते यूनिफॉर्म का भी आपको पैसा देना है तो 400 रुपये और ले लिए, फिर बोलते थे कि अच्छा गेट पास आपको बनाना है तो 1000 रुपये और ले लिए, फिर अगर कि वहाँ बातचीत करनी है ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल है, अगर परमानेंट कराना है तो थोड़े और पैसे हैं। इस तरह से करा के 2-3 हज़ार रुपये लेके बहुत ही गरीब लोगों से जिनके पास कोई किसी तरह की कोई नौकरी नहीं है और फिर गायब हो जाते थे। ये होलंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी परमिट, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिगो, ऐसा करके इन्होंने एक यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का एक इन्होंने चिट्ठी एक निकाली जिसके ऊपर एक हमारे कंप्लेनेंट का एक नाम है, उसका एक एम्प्लॉय आईडी इन्होंने जनरेट किया, जॉइनिंग डेट, परमिट का रजिस्ट्रेशन, डेजिग्नेशन लगेज स्कैनिंग डिपार्टमेंट, और 21,000 सैलरी पे उसको रखा, ड्यूटी टाइम भी बता रखा है, वीकली ऑफ भी बता रखा है, और इसके अलावा खास बात अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्होंने सील लगा रखा है। गेट पास भी बहुत ही अच्छी तरीके से मशीन है, देखिए साल लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक से बैज लगा हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसके ऊपर लोगो है, गेट पास लिख के एम्प्लॉयमेंट होलोंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी, जैसे कि लगे कि ये एयरपोर्ट वालों ने ही इसको दिया है ना कि किसी थर्ड पर्सन ने। रिफंड मनी टोकन करके भी इन्होंने एक निकाला, ये भी बड़ा ऑफिशियल लगता हुआ कि ये 5,500 रुपये के आसपास या 5,275 रुपीज़ का ये रिफंड टोकन है। जितने लोग डिफ्रॉड हुए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे सामने आए,